कल महाराज जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि भागवत सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी, तो उसके बाद कहा कि श्रीमद् वैष्णव ग्रंथ उसमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से, श्रवण कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके बाद भी कुछ करना है, कितने आश्चर्य की बात है ना। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर क्या अलभ्य है भक्त के लिए। तो खैर ये बात मुझे कल बहुत अच्छी लगी थी कि हम जो इतनी मुझे लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो ये मतलब मेहनत थोड़ी मेहनत तो लगती है, वैसे तो मेहनत करने में भी आनंद है, इस क्लास को तैयार करने में भी आनंद है, बोलने में भी आनंद है, सुनने वालों को आनंद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तैयार करने में तो बहुत आनंद है। पता नहीं जो रेगुलरली हमसे सुन रहे होंगे, हमसे मतलब इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कम से कम तीसरे अध्याय तक आप बड़ी आसानी से, चौथे अध्याय तक बड़ी आसानी से फॉलो कर पा रहे होंगे महाराज जी क्या बोल रहे हैं। जब हम डिटेल में जाते हैं तो ओवरव्यू समझ में आता है, जो लोग पहली बार ओवरव्यू सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा हमें कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा जहाँ तक मैं अज्यूम कर सकता हूँ। याद आ रहा है हम लोग चर्चा किए थे ना, ब्रह्म संहिता इत्यादि किए थे पहले से, एकदम एक एक शब्द को समझने से फायदा क्या होता है, जब ऊपर से आप पढ़ोगे तो और दिमाग में रिवाइज अच्छे से हो जाता है। और वो तीन के श्लोक में जब हम महाराज जी बोल रहे हैं, आज भी गा रहे हैं, तो आप लोग को अर्थ कुछ कुछ ग्रहण मतलब स्मरण में रहता हो कि हाँ भाई सारे धर्मों को जो झूठे धर्म है हम लोग त्याग करके झाड़ू मार करके निकाल दिया भागवत इत्यादि। तो ये चीज़ है, मैं तो महाराज को प्रपोज किया था 1 साल का प्रोजेक्ट रखेंगे, लेकिन महाराज कहे तमोगुण में है, पता नहीं इसका क्या मतलब, मजाक कर रहे होंगे। जो भी है, आज का श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल आप लोगों ने सुना था कि इदम ही विश्वम भगवान वेतर यतो जगत स्थान निरोध संभव तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापिते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। तो ये मैंने, नारद जी कह रहे हैं कि आप जान रहे हो कि जगत भगवान जैसा है, जैसे क्योंकि भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान इससे अलग है। और ये मैंने आपको भगवान के यश के बारे में इंगित किया है, अब आप इसका विस्तार कीजिए। तो मान लो व्यासदेव जी कहे मैं कैसे जान पाऊंगा, भगवान इतने महान हैं, भगवान इतने यशस्वी हैं, इनको मैं कैसे जान पाऊंगा। तो कह रहे हैं कि आप अपने आप ही जान सकते हैं क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं, यह श्लोक की थीम। और किस लिए आपका आपका और अच्छा चलो मैं जान सकता हूं तो दूसरों को क्यों बताऊं, क्योंकि आपका अवतार ही लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। ये दो बात याद रहेंगी पूरे चैप्टर से मतलब इस श्लोक से, एक कि व्यासदेव स्वयं ही भगवान को जान सकते हैं क्योंकि भगवान के अवतार हैं, और दूसरा उनका प्रयोजन ही है, आए ही इसलिए हैं ताकि जीवों का कल्याण करें भगवान का यश प्रस्तुत करके। ये बात याद रहेगी। अब हम लोग श्लोक बोलते मेरे पीछे बोली त्वमात्मनात्मानमवेयमोघद्रे परस्य पुंसः परमात्मनः कला परस्य पुंसः परमात्मनः कला अजं प्रजातं जगतः शिवाय महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यता त्वमात्मनात्मानमवेयमोघद्रे परस्य पुंसः परमात्मनः कला परस्य पुंसः परमात्मनः कला अजं प्रजातं जगतः शिवायतन महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यता त्वमात्मनात्मानमवेयमोघद्रे परस्य पुंसः परमात्मनः कला अजः प्रजातं जगतः शिवायतन महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यता। साउथ इंडियन ट्यून। त्वमात्मनात्मानमवेयमोघद्रे परस्य पुंसः परमात्मनः कला अजं प्रजातं जगतः शिवायतन महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। आर यू फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली? स्टैंड लाइक अ ब्राह्मण, वेरी नाइस। अच्छा बोलते ना, बड़ा आनंद आता। और ये साउथ इंडियन ट्यून मुझे याद ही नहीं आती, इसलिए इनकी हेल्प चाहिए।
थर्ड ट्यून, त्वमात्मनात्मानमवेयमोघद्रे परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावोऽभ्युदयोधिगण्यता महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। राम अवतार प्रभु आप बोल नहीं रहे थे, पारायण नहीं कर रहे थे, बोलना चाहिए। जूम वाले डिवोटी से कोई डरना ही नहीं चाहिए। अरे आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज अगर गलत भी बोलेंगे तो डांट नहीं पड़ेगी। मैं दोनों तरफ देख सकता हूँ। क्यों प्रभु जी, आपकी चार आंखें हैं क्या? नहीं, हाँ और क्या, दो आंखें इधर हैं, दो उधर है, चार आंखें दिख लेता है कि कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है। ऐसे नहीं, ये सब प्रभुपाद जी चाहते थे कि इतनी बार हम उच्चारण करें कि क्लास के बाद आपको श्लोक याद हो जाए। और ये सब हमको पवित्र करने वाला है। प्रभुपाद जी का 1.1.1 में का लेक्चर देखेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत के जो श्लोक हैं ये महामंत्र की तरह ही हमको पवित्र करने वाले हैं हमारे मन। मेरे को तो इतना सुंदर लग रहा है कि लगता है सिर्फ गाते ही रहे, लेकिन हम एक बार और सब लोग साथ में गाते हैं। त्वमात्मनात्मानमवेयमोघद्री परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यताम्। एक्चुअली फॉल इन लव विद दिस श्लोकस, कितना सुंदर है ना, केवल गाने की दृष्टि से कितना सुंदर है। चलिए हम उसको समझते हैं। त्वम, नारद जी कह रहे हैं त्वम मतलब आप, आत्मान आत्मानम, आत्मना मतलब अपने द्वारा अपनी शक्ति से आत्मानम भगवान को अवेह्य जानो। कैसे जान सकता हूं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं जान सकता हूं, तो कहते हैं अमोघ दृक। अब आप ये देख रहे हैं कि अमोघ दृक शब्द कम से कम 2-3 बार तो आप सुन चुके हो, अब तो कोई कठिनाई नहीं आ रही ना। आत्मानम मतलब आत्मा को, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, कोई कठिन नहीं है। जैसे बच्चा हिंदी सीखता है ना, वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, वही शब्द बार में आएंगे, तत् यत् तस्य अस्य, वही सब घूम घूम के वापस आता है। अमोघ दृक समझ में आ रहा है, अमोघ दृक जिसकी दृष्टि अमोघ है, जो यथार्थ दृष्टा है। किसको देख सकते हैं, तो कह रहे हैं किसको जानने के लिए कह रहे हैं, परस्य पुंसः परमात्मना। परस्य मतलब परात्पर ब्रह्म, पर ब्रह्म जो इस प्रकृति के परे हैं, पुंसः मतलब भगवान श्री कृष्ण, और परमात्मना मतलब परमात्मा। किसको जानो, परात्पर भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा है उनको जानिए। आप मेरे अंदर क्या योग्यता देख रहे हैं, तो कहने कलाम, उन्हीं के तो कला हैं आप, उन्हीं के तो अवतार हैं। समझ में आ रहा है शब्द, तो कह रहे हैं ठीक है मैं जान लेता हूं, चुप रहूंगा। कहते नहीं नहीं, अजम प्रजाताम, अजम मतलब आप अजन्मा है, अर्थात सामान्य जीवों की तरह कर्माधीन होकर, कर्मों के अधीन होकर के आपका जन्म नहीं होता है, तो फिर मैं क्यों आया हूं। कहते हैं प्रजातम जगतः शिवाय, फिर भी आप जन्म लेते हो जगत के कल्याण के लिए। शिव का मतलब होता है कल्याण, शिवदम सुना था ना आपने भी 1.1.2 में, तो कल्याण मंगल के लिए कहते हैं। तत् तत् मतलब उनके, तत् महानुभाव अभ्युदय, महानुभाव मतलब जिनका महान प्रभाव है, उन भगवान श्री कृष्ण के अभ्युदय अर्थात लीलाओं को, यश को, मंगलमय यश को अधिगण्यताम। गण्यताम का अर्थ हुआ विस्तार, मतलब वर्णन करना, और अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो अधिगण्यताम का अर्थ क्या हुआ, बहुत अधिक विस्तार कीजिए। अगर फिर से श्लोक को देखें, देखिए तो मतलब आप व्यासदेव जी, आप अपने आप ही समर्थ हैं, आप स्वयं ही भगवान के, भगवान को जानने का प्रयास कीजिए, जानना जान सकते हैं आप, क्योंकि आपकी दृष्टि अमोघ है। वो कौन से भगवान हैं जो परस्य प्रकृति के पार हैं, दिव्य हैं, पुंसः मतलब भगवान हैं, और परमात्मा मतलब परमात्मा तो है, तो कठिन बात नहीं है। उन्हीं के आप कला हो, उन्हीं के अंश हो, उनके अंश हो मतलब उनके अंशावतार हैं, और आपका, आप भले ही कर्माधीन जीव की तरह जन्म नहीं लेते, अजन्मा हैं, फिर भी आप जन्म लिए हो, किस लिए, जगतः शिवाय, जगत के कल्याण के लिए। तब क्या करूं जगत के कल्याण के लिए, तो कह रहे हैं तत् महानुभाव, महानुभाव का यहाँ पे अर्थ है भगवान विष्णु जिनका महान प्रभाव है, उनके अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ उनकी लीलाओं को अधिगण्यताम, बहुत अधिक मात्रा में वर्णित कीजिए। अब तो आप लोग पंडित बन गए होंगे, कोई कठिन नहीं है। मेरी देखिए भगवान ने ये भी इच्छा पूर्ण करी, IIT में मैं सोचा करता था कि
मतलब शब्दार्थ देख करके कम से कम संस्कृत को मैं सीधे समझ सकूं। तो इच्छा पूरी करी कि नहीं करी? कौन सी एक इच्छा है जो बता दीजिए, मेरे मैंने लिस्ट तो नहीं बनाई, मान इच्छा पूरी नहीं करते और बिना संस्कृत पढ़े ग्रामर पढ़े। जब मैं एक भक्त से बात कर रहा था, वो बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं, मुकुंद दत्त प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, वो तो बहुत PhD किए हुए। मैंने कहा भानु महाराज ने अनुवाद किया हुआ इंग्लिश से? कहते हाँ, लेकिन उससे उसको देख के संस्कृत नहीं समझ में आएगी। तो मैं निराश हो गया, ठीक है, लेकिन उन्हीं की कृपा करके उन्होंने मुझे सारी संस्कृत की टीकाएं दी, तो इंग्लिश देख लो तो संस्कृत भी समझ में आ जाती। ये सब भगवान की कृपा है। आप भगवान की भक्ति के संबंध में कुछ मुझे लिख के देना कि प्रभु जी मैं ये चाहता हूँ कि ये भक्ति में मुझे प्रकृति के लिए चाहिए, और जब करते रहो भक्ति करते रहो, बताना कि वो प्राप्त नहीं हुआ कभी, असंभव है। आप भाई बाकी मुझे पता नहीं, अगर आप भक्ति के लिए कुछ मांग रहे हैं कि मुझे जब मैं रुचि हो, नाम रुचि प्राप्त हो, कम से कम मुझे अपनी नींद नहीं आए, अगर किसी की इच्छा है तो मैं मंगल आरती के लिए उठ सकूं, असंभव है कि ऐसा हो नहीं आपके संग। मैं लिख के दे सकता हूँ कि मेरे संग तो सब कुछ हो रहा है, आपके संग क्यों नहीं होगा? क्या आप लोग भगवान के अंश कुछ कम है, मैं अधिक हूँ? क्या भगवान का अवतार हूँ मैं? कुछ नहीं, मैं भी वैसे ही बद्ध जीव जैसे आप हैं। 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। इट इज बिकॉज सत्यम दिशति अर्थितो अर्थनिर्णाम। भगवान करते ही भौतिक इच्छा मांगते हैं, वो भी देते हैं, आपकी आध्यात्मिक इच्छा क्यों नहीं पूर्ण करेंगे? कृष्ण इज मोर देन हैप्पी। अरे ये भागवत समझना चाहता है, वाह वाह वेरी नाइस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो समझ में आ रही है ना कि भगवान के यश का बहुत अधिक वर्णन कीजिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तो कटाक्ष करना ही पड़ेगा। हाउ कैन वी कैन हैव वन क्लास विदाउट वन कटाक्ष? एक कटाक्ष तो मैंने कहा, एक भक्त को पूछा आपकी बहन नौकरी क्यों करती है, जरूरत है नौकरी करने की? तो उन्होंने कहा नहीं, खाली बैठने से अच्छा कोई नौकरी करे। हमने कहा खाली बैठने का समय है जितना मैं पढ़ा चुका हूं उसको ही समझ लेंगे तो कम से कम 6 महीने तो समझने में लगेगा उसको, इज इट नॉट? खाली बैठने का समय ये कही कि पढ़ना नहीं चाहते भागवत वो अलग बात है, खाली बैठने का समय प्रभुपाद जी बोले एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हो, 1500 साल लगेंगे भागवत सीखने में। खाली नहीं है, और दूसरा बात समझते नहीं है कि लोग नौकरी कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो उसका संस्कार मन में जा रहा है। एक बात मैं फिर से बता दूंगा, थोड़े व्रत लोग यहाँ सामने बैठे हैं, जित प्रभु जी बता रहे थे ना, आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं CA के, खुद बता रहे थे कि जितना वो बुद्धिमानी बुद्धि क्षमता पहले थी वो अब नहीं है ना। हमारे रघुपति प्रभु बता रहे थे वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं MBBS में, ऐसी सब कुछ बातें याद हो जाती थी। ये मत सोचिए वृद्धावस्था में वो इंजन वैसे काम करेगा, नहीं काम करता है। तो जो युवावस्था में अगर समय है तो भगवत हम समझना चाहिए। ये हमारा कटाक्ष था, जैसे कि मैं मेरा एक मतलब स्वभाव है कि एक क्लास में एक कटाक्ष जरूर होना चाहिए। अब कटाक्ष का उद्देश्य आपको मर्म आहत करना ही है, मर्म आहत करना ही है ताकि आप कुछ सोचें कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप और सुनना चाहते तो प्रभुपाद जी कहते हैं मानव जीवन पैसा कमाने के बारे में सोचने के लिए नहीं है, ये तात्पर्य भी लिखते मानव जीवन इस बारे में है सेव है तो प्रयत्न तो ठीक है। एनी हाउ अब मेरा स्वभाव चेंज नहीं होता, लेकिन ये है इस प्रकार से। अच्छा, अन्वय देख लीजिए, अन्वय से आसानी समझ में आएगा। हे अमोघ मतलब हे सत्य दर्शन, आप सत्य का दर्शन करने वाले हैं। और सत्य का एक अर्थ आपने क्या सुना था? कृष्ण सत्य रथ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भी प्रवचन कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसे ही महाराज तो आप जानते हो बहुत सारे अर्थों का प्रकाशन करते हैं, फिर कहते हैं देखिए श्रीमद् भागवतम के जो हम अर्थ प्रकाशित कर रहे हैं कोई कहेगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा, उसमें अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये सारे अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा। अभी देखिएगा मैं बताता हूँ कैसे एक शब्द से थोड़ा अर्थ पूरा घूम जाएगा। पहले एक अर्थ बताएंगे फिर अलग अलग अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। तो हे अमोघ किसके लिए संबोधित कर रहे हैं बताइए? व्यासदेव जी, गुड। आत्मना अर्थात स्वयं से ही, आत्मानं परस्य पुंसः परमात्मना, परात्पर परमेश्वर आदि पुरुष को अवेही जान सकते हो, आप जान सकते हो क्योंकि आप उनके कलाम यानी अंश स्वरूप हैं। ठीक, ये तो स्पष्ट है। जगतः और आप इस विश्व के शिवाय मंगल के लिए अजम कर्माधीन जन्म रहित होते हुए भी, ये बात समझ में आ रही है, जैसे अन्य जीव कर्माधीन रह करके अपने कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण कर रहे हैं, क्या वैसे व्यासदेव जी जन्म लिए हैं? नहीं लिए। प्रजाताम फिर भी आप जन्म लिए हैं, तो मतलब कुछ अपने ही अपना कुछ आपके अवतार का प्रयोजन है इसके लिए लिए। तथा इसलिए महानुभाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के, देखिए प्रभाव का समझते हैं आप,
प्रभाव का मतलब विशेष प्रभाव। अब महानुभाव वहीं से उठा लीजिए, प्रभाव महानुभाव मतलब जिनका बहुत विशेष पराक्रम है, बहुत विशेष प्रभाव है। इसको जीव गोस्वामी जी इस पर और कुछ इस बात पे बोलेंगे। अभ्युदय परम मंगल यश का अधिगण्यताम, अधिक निरूपण कीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा, एक थोड़ा अर्थ इससे पहले आप देख लीजिएगा। अव्यय का अर्थ था कि आप भगवान को जान सकते अपने आप, एक दूसरा एक अर्थ हल्का सा स्लाइटली चेंज है कि आप अपने आप ही समझिए कि आत्मानम परस्य पुंसा परमात्मना, कि आप भगवान के अवतार हैं। कुछ अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, एक कि आप भगवान के बारे में स्वयं जान सकते अवे ही, और दूसरा आप स्वयं ही जानिए कि आप भगवान के अवतार हैं। इसलिए और आपका जन्म, आप अजय हो, आप फिर भी जन्म लेते हो जगत के कल्याण के लिए, इसलिए कृष्ण के लीलाओं का वर्णन अधिक कीजिए। थोड़ा जो स्लाइट अंतर है वो समझ में आया। जीव गोस्वामी सेकंड वाले अर्थ को लेंगे और अन्य चार जो है वो जो प्रभुपाद जी अर्थ लिए वो लिए, इस प्रकार से अब वही से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब तो सब लोग थोड़ा थोड़ा समझने लग गए होंगे। अनुवाद, तुम में पूर्ण दृष्टि है अमोघ दृक्, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। स्पष्ट है, अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। अब अतः समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका प्रकटीकरण ही लोगों के कल्याण के लिए होता है और भगवान के यश से अधिक जीवों का कोई कल्याण नहीं होता, इसलिए भगवान कृष्ण के यश का ही वर्णन कीजिए। ये अतः लिंक समझ में आ रहा है आपको। इस संबंध में आगे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वैसे फिर से बोल रहा हूं कि दशम स्कंद में आता है कि गंगा जी तीर्थ थी, तीर्थ हैं कहना चाहिए, लेकिन जब से भगवान आए और अपने यश का विस्तार किया तो उनकी महिमा कम हो गई। ये स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है इस प्रकार से। सारार्थ दर्शनी टीका, यह श्लोक वर्णित करता है कि श्रील व्यासदेव स्वयं ही भगवान के विषय में जानते हैं। आत्मना आत्मानम अवे ही, आप जानते हो। हे अमोघ ज्ञान, इसलिए महानुभावस्य अर्थात भगवान हरि के अभ्युदय अर्थात परम मंगल यश को अधि अधिक अर्थात अधिक और गण्यताम अर्थात वर्णन कीजिए। तो छोटी सी टीका थी, मैंने रख दिया था उसको। क्रम संदर्भ, ये किसने लिखा है? श्रील जीव गोस्वामी पाद। अब यहाँ पे हमने एक नोट रखा है ताकि समझ में आए, अवेह से यह अर्थ भी है कि आप स्वयं इस बात को अवेह अर्थात जानते हैं कि आप भगवान के अवतार हैं। तो ये दूसरा अर्थ था हल्का सा, एक कि आप स्वयं भगवान अपने आप से भगवान को जान सकते हैं, दूसरा आप ये बात अपने आप ही जानो कि आप भगवान के अवतार हैं, आप जानते हो, तो इसलिए भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। हे व्यासदेव, आपका ज्ञान पूर्ण है, यथार्थ दृष्टि है, आप स्वयं ही ये जानिए कि आप भगवान के अंश अवतार हैं। अब समझ में आया अवेही का अर्थ क्या ले रहे? यह भी जानिए कि भगवान भी यद्यपि अजन्मा हैं फिर भी वे कृष्ण रूप में जन्म लिए हैं। देखिए, आपने संस्कृत शब्द संस्कृत देखी थी अजम प्रजातम, अजम प्रजातम किसके लिए आपने सुना? शिला व्यास देव जी के लिए। लेकिन जीव गोस्वामी जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी अजम प्रजातम। अब जरा संस्कृत दिखाइएगा उसकी, अजम प्रजातम जगतः शिवाय, भगवान कृष्ण भी अज होकर के जगत में जन्म लेते हैं जगत का कल्याण करने के लिए, अतः इसलिए उनके उन भगवान हरि के जो महानुभाव वाले हैं उनके अभ्युदय उनकी लीलाओं को अधिक अधिक वर्णन कीजिए। दिमाग स्पिन तो नहीं कर रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा अर्थ है ना, ये बहुत टेस्टी है, मतलब रियली टेस्टी है। दैट्स व्हाट आई वुड से। देखिए, इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो कितना आनंद आए ना, एक श्लोक में कितना रस भरा है। पिबत भागवतम रसमालयम, और ये लोग टेस्ट किए हैं, हम लोग तो खाली उच्चिष्ट को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? दोनों बातों को समझकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का अधिक निरूपण कीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण अन्य अवतारों से अधिक शक्ति प्रदर्शित करते हैं और वे उन सभी के स्रोत भी हैं। इसको थोड़ा समझने पड़ेगा, दोनों बात का मतलब क्या हुआ? फिर से संस्कृत दिखाइए। एक बात कि अजम प्रजातम जगता शिवाय, आप अज होकर के जगत के कल्याण के लिए जन्म लिए, एक बात। दूसरी बात कि भगवान इस प्रकार से हैं तो इसलिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए।
ये बात समझ लेना चाहिए, ठीक है। ओके, कहाँ गए? हाँ, एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान कृष्ण के ही लीलाओं का वर्णन अधिक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अधिक गण्यताम देखे थे ना, अधिक वर्णन कीजिए। ये समझिए, भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं विभिन्न विष्णु स्वरूपों में। अगर आप लोगों को वो श्लोक याद हो, कृष्ण भगवान स्वयं उसमें बहुत वहां पे व्याख्या किए थे, और एक ही समय में अपने आप को विभिन्न विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हुए वे अपनी ही इच्छा से अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन उन विष्णु स्वरूपों में नहीं करते। कुछ कुछ याद आ रहा है? और जब वे अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण कृपा, पूर्ण सौंदर्य का अनुभव, प्रकटीकरण नहीं करते हैं तो उतना सुख नहीं मिलता है जितना कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने में मिलता है भक्तों को, जो वह कृष्ण की लीला को श्रवण करते हैं कि भगवान कृष्ण पूरी शक्ति, पूरा बल, पूर्ण सब कुछ पूर्ण प्रस्तुत करते हैं। ये सब बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लघु भागवतामृत से भी आप लोगों को इसका उदाहरण दिया गया था। तो कह रहे हैं कि कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करके लोगों को विशेष सुख प्राप्त होगा, उनका विशेष कल्याण होगा, इसलिए कृष्ण की लीलाओं को अधिगण्यताम अधिक रूप से आप वर्णित कीजिए। मेक सेंस? और यह तो आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। आप भी स्वयं ईश्वर हैं, इसलिए निज अज्ञान रूपी माया को प्रकट नहीं कीजिए। समझ में आ रहा है? आप भी का मतलब है आप भी इसी प्रकार से अज हैं, प्रजात है, जगत जन्म लिए हैं, जगत का कल्याण करने के लिए हैं, और आप भगवान के अवतार हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। प्राय ये उत्तर आसानी होता है भक्तों को, प्रभु जी की कहाँ रखा है, आई डोंट नो। उसके बाद झगड़ा खत्म। आपने देखा है जिस संस्थान में बैठे हैं वहाँ पे गोडाउन इंचार्ज थे पहले, उनके पास यही उत्तर था, गुरु जी सामान है नहीं। फिर हम लोग अंदर ढूंढते, इसी गोडाउन में ढूंढते, मिल जाता, बहुत डांट लगाते, अरे भाई तुम कुछ हाँ भी बोलोगे कि हमेशा नहीं बोलने के लिए बैठे हो आप? तो कह रहे नहीं, ऐसी माया मत प्रकट कीजिए कि मुझे नहीं पता। जैसे थोड़ी माया कैसे करते हैं भगवान, देखिए भगवान कृष्ण कैसी माया करते हैं। कल पढ़ रहा था कि रामानंद राय जी से महाप्रभु वार्ता कर रहे हैं, और फिर वार्ता करते करते रामानंद राय जी कह रहे हैं कि पहले तो आप मुझे गौर वर्ण के दिख रहे थे, अब आप श्याम सुंदर क्यों दिखाई पड़ रहे हो? समझ रहे हैं? और न सिर्फ श्याम सुंदर दिख रहे थे बल्कि राधा कृष्ण के मिलित अवतार के रूप में भी दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, फोटो बनी है ना, वो रामानंद राय जी चैतन्य महाप्रभु को दिख रहे। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप इतने महान भक्त हैं कि जिसको भी देखते वहां आपको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। स्थावर जंगम, वही महाप्रभु कहते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए दार इष्टदेव स्फूर्ति। मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे करके। तो भगवान फिर वो कहते हैं आप ऐसे माया मेरे से मत कीजिए। तो भगवान माया करते हैं। या आपने स्मरण किया हो, आपको जानते ही हो मछली वाले मत्स्य अवतार में, हे राजा ये यहाँ के बड़े बड़े मछली मुझे खा जाएंगे, मुझे अपने पास ले लो। कई आप जानते हैं ना, तो भगवान भी खूब माया करते हैं इस प्रकार से। या आप देखेंगे एक ब्राह्मण आया था महाप्रभु के, देखेंगे मतलब जो लोग पढ़ते हैं जानते ही होंगे, उनके घर में आया, खाना बना रहा है और भोग बनाया उसने, और भगवान को अर्पण करने के लिए गया गोपाल जी को, तो महाप्रभु निवाई के रूप में आए, छोटे बच्चे के रूप में खा गए। कहते हाय हाय क्या कर दिया तुमने, फिर वो बनाया, फिर वो खा गए, फिर तीसरी बार बनाया, रात्रि के 12 बज गए, और फिर वो फिर बनाया, फिर आके महाप्रभु खा के तो हाय हाय करने लगा। तो कहते हैं निमाई पंडित, कहते हैं निमाई पंडित नहीं कह रहे, निमाई बालक निमाई कहता है कि क्या तुम्हारा बर्ताव है, पहले तुम मुझे बिलाते हो कि खाओ, और जब मैं आके खा लेता हूँ तो तुम हाय हाय करते हो, फिर वहां अपना कृष्ण स्वरूप दिखाया। आप समझ रहे हैं मेरी बात इस प्रकार से। अच्छा, एक और जगह अद्वैताचार्य तो स्वयं शुद्ध भक्त हैं, किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं है, लेकिन जब विश्वरूप निमाई के बड़े भाई उनके घर आया करते तो उनको बुलाने के लिए सची माता उनके पास भेजती, और बिल्कुल वो कपड़े भी नहीं पहने होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, और उनको देख करके अद्वैताचार्य जी को लगता है कि इस बच्चे के प्रति मेरा आकर्षण क्यों हो रहा है। शुद्ध भक्त का तो जगत में कहीं आकर्षण नहीं हो सकता, और वहां भी अपने आप को छुपाए रहे कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, कृष्ण के रूप में आया। तो भगवान माया कर सकते हैं, समझ रहे ना, कि कहीं पे भी लोग बोलते हैं कि आप विष्णु हो, नहीं नहीं मैं तो एक जीव हूँ बस, ऐसे करके। या सार्वभौम भट्टाचार्य के पास चले जाइए, हाँ आप मुझे वेदांत सिखाइए, आप मुझे वेदांत सिखाइए, मैं तो आपके बालक के समान हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की माया व्यासदेव जी भी कर सकते थे, कहते हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, कहते नहीं ना आप ऐसा मत कीजिए, आप भगवान के अवतार हैं। तो भगवान माया करते हैं। बाल प्रबोधनी, भगवान के यश का वर्णन करने में भी आपको आचार्य की अपेक्षा नहीं है,
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गुरु जी बताएंगे तब आप करेंगे, क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं, इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी आप देखिएगा तात्पर्य में इस पॉइंट को रखते हैं। कभी कभी आप कोई हम इनको क्यों कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में अभी पॉइंट देखिएगा कि भगवान को आचार्य की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे स्वीकार करते हैं एक मर्यादा स्थापित करने के लिए। तो कह रहे हैं कि आपको आचार्य की जरूरत नहीं है भगवान के यश का वर्णन करने के लिए, आप आत्मानम अर्थात भगवान को जो अज हैं। अब देखिए यहाँ पे अज शब्द जो है भगवान के लिए लिया गया है, अर्थात कर्माधीन जीव के समान जन्म से जो रहित हैं। इस लाइन को समझना होगा, क्या हम अपने कर्मानुसार जन्म ग्रहण कर रहे हैं? यस। किसी को भी बोलो कि कोई कर्म नहीं होता तो कहो कि तुम अंबानी के क्यों नहीं पैदा हुए, और सारे लोग ही अंबानी के क्यों नहीं पैदा हो जाते। हम लोग सोचते हैं कि हम अपना नौकरी चुनते हैं, मान भी लिया जाए, या मान लें कि भाई पति या पत्नी चुनते हैं, लेकिन माता पिता कौन चुनता है हमारे लिए, हमारा शक्ल कौन चुनता है? सोच लेना चाहिए कि ये हम लोग कर्माधीन होकर के जन्म ले रहे हैं, हमारी कोई लीला नहीं हो रही। हाँ, मायावादी लोग बोलते हैं कि अब सूअर के यहाँ भी जन्म ले रहे हैं, तो सूअर के रूप में भी जन्म ले रहे हैं तो हमारी लीला है। जगत के कल्याण के लिए वो जन्म ले रहे, सूअर बन रहे हैं, ठीक है। और प्रजातम अर्थात स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं, स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं, समझ रहे हैं? यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, जब भी धर्म की ज्ञान ग्लानि होती है भगवान भी आते हैं या अपने अवतारों को भेज देते हैं, तो ये अपनी स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। जैसे आप जानते हो, उदाहरण कई बार दिया गया है कि जेल में कैदी किसकी गाड़ी से जाता है? पर्सनल गाड़ी से जाता है, मोटरसाइकिल से, गवर्नमेंट की गाड़ी से, वेरी नाइस। आसपास बहुत सारे पुलिस वाले भी होते हैं कि नहीं? तो वह स्वेच्छा से जा रहा है, क्लियर? और क्या स्वेच्छा से बाहर आ सकता है? नहीं। और मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की इच्छा हो कि आज जाके मैं देखूं कि जेल में क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो कौन सी गाड़ी से जाएगा? ज्यादा पुलिस वाले होंगे कि नहीं उसके साथ? बहुत ज्यादा होंगे। तो कैदी सोचे, लगता है बड़ा मर्डर किया है, खतरनाक कैदी है, तो मूर्ता होगी कि नहीं? अच्छा, आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर है तो ये जेल में क्यों आ रहे हैं? कैसे आ सकते हैं, बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। और क्या आने के बाद वो वापस बाहर भी जा सकते हैं? यस। क्लियर हो गया उदाहरण से? भगवान इस प्रकार से नहीं है, अपनी इच्छा से आते हैं, इच्छा से जाते हैं। उनको आत्मना अर्थात स्वयं से ही जानिए, तो अर्थ स्पष्ट है। अगर व्यासदेव जी पूछें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस पर नारद जी कहते हैं कि अमोघ देव, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप अपने आप ही जान लो दुनिया में? आप जरा, आपको बात आसान लगती हो, ये बताइए, आप लोग C++ पढ़े हैं फॉर एग्जाम्पल? नहीं पढ़ा? पढ़े हैं? आपने अभी पढ़ लिए? हाँ, मुझे स्मरण भी नहीं हो रहा कोडिंग शुरुआत कहाँ से होती थी, मैं भी पढ़ा था, कितने साल पढ़ा, कहाँ से शुरू होती है सिंटैक्स, जो भी है, ये भी याद नहीं है। इसके लिए भी देखो दूसरे से हेल्प लेनी पड़ी, जो पढ़ चुका हूं उसको याद करने के लिए दूसरे से हेल्प लेनी पड़ी है, 5 साल के बच्चे से। लेकिन सोचिए हम लोग कहाँ अमोघ दीर्घ हैं, इस जगत में किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी जानने के लिए प्रैक्टिकली असमर्थ हैं कि देख के जान लेंगे बस, ऐसा हो सकता है? लेकिन इस प्रकार की दृष्टि श्रील व्यासदेव जी की थी। तो कह रहे हैं कि आप अमोघ दीर्घ हैं अर्थात जिसकी यथार्थ दृष्टि है, जो यथावत देखने में समर्थ है, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं, ठीक है। ये इनका शैली है, प्रश्न उठाएंगे फिर उसका उत्तर देंगे, ठीक है। मान लीजिए व्यासदेव जी कहें, ठीक है कि मैं कर्म के बंधन में नहीं हूं परंतु सर्वज्ञ हूं, यह कैसे हुआ? कितना रोचक है ना। तो इस पर कह रहे हैं परस्य पुंसः अर्थात पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान के आप कलांश, आप जानते हैं ज्ञान अवतार, यही शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता था, ज्ञान के अवतार है, साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवत में, ज्ञान के अवतार श्री व्यासदेव जी। अगर आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद हो तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि ये व्यक्ति इस वैभव को प्राप्त है, ये अवतार इस भगवान के विभूति को प्रस्तुत करता, याद आ रहा था? अच्छा, तो कहें कि तो वो पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं जिनके आप अवतार हो, तो उस पर कह रहे हैं परमात्मा अर्थात भी सर्वज्ञ है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, उनके कला अवतार है, तो इसलिए आप भी सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है और सर्व अंतर्यामी है, तो इस प्रकार के वे परमात्मा हैं। इस प्रकार के भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव का क्या प्रयोजन है, मान लो ये पूछे क्या किस लिए आया हूं, तो उस पर कह रहे हैं कि जगतः शिवाय अर्थात भगवान के यश के प्रदर्शन के द्वारा प्राणियों को परम आनंद लाभ देने के लिए आप अवतरित हुए। ये देख लीजिए कि यहाँ पे भी हम जो बैठे हैं, मुझे तो बोलने में अच्छा लग ही रहा है और आप लोगों को भी
जो हम पढ़ रहे हैं केवल सुनने मात्र से कितना आनंद आ रहा है। ये इस प्रकार का सुख अन्य भौतिक वस्तुओं को पढ़ने श्रवण करने में बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है इसलिए आप भगवान के परम मंगल यश को अधिक वर्णन कीजिए। यह अर्थ है, यह अर्थ समझ में आ रहा है। आपका उद्देश्य ही लोगों को सुखी करने के लिए, और सबसे अधिक सुखी कैसे होंगे, भगवान के यश से। आगे जाकर के नारद जी कहेंगे कि ये मेरा अनुभूत है, अनुभूत समझ रहे हैं, अनुभव किया हुआ बात है कि मात्रा स्पर्श छाया मोह, बार बार जो भोग की इच्छा से पीड़ित होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भौतिक इच्छाएं ये पीड़ा है, ये संसार दावनल की तरह है, कोई लगाता नहीं है, आपको पता नहीं है, हमें को पता नहीं कि यहां से भौतिक इच्छा आना चालू हो गई, लेकिन यह तो देखा है ना कि भौतिक इच्छाएं हैं। अच्छा, एक इससे पहले आगे बढ़ जाए, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, छोटे बच्चों की कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं या वो बिल्कुल पवित्र होते हैं? बहुत ज्यादा होती हैं, बस ये है कि वो छुपा नहीं पाते। जैसे महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा रमण महाराज जी, किसी के यहाँ जाएंगे और स्वीट देगा, आपको देगा ना, हम तो स्वीट नहीं खाते, अंदर से मन हो रहा है कि स्वीट खाना है, लेकिन बाहर बोलेंगे नहीं, हम स्वीट वीट अब जो है उतना नहीं ग्रहण करते हैं। ऐसे करके बच्चे लोग ही दिखाते नहीं है, बच्चे कर नहीं पाते। अगर उनको कुछ स्वीट चाहिए या खिलाना चाहिए तो रोएंगे बिलखेंगे, है ना। हम लोग छुपा लेते हैं, दिखा अपनी इच्छाओं को इच्छाओं को छुपाने का प्रयास करते हैं, जैसे कह लीजिए। तो यही तो जलन है। कभी ऐसी स्थिति में सोचिए, और आप समझते होंगे कि कभी कभी भक्ति करते हुए किसी दिन या कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं होती। कभी अनुभव नहीं किया आप लोग? हमेशा भोग ही भोग बड़े रहते हैं, ऐसे ना होता है, कुछ नहीं चाहिए कुछ समय के लिए, कभी भी नहीं होता ऐसा। ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। काश मैं भगवान का यश सुनता रहूं, भक्ति करता रहूं, बस फिर ऑब्वियसली अनर्थ निवृत्ति में है तो फिर कचरा बाहर आता है, लेकिन ये हर भक्त अनुभव करता है। हाँ, 5-6 घंटे इनको ऐसे रहता है, फिर भी कंपनी सेक्रेटरी, अरे कृष्ण की कंपनी के सेक्रेटरी बन जाओ। नहीं, ये महाराज जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी, कि अगर इच्छा है तभी उसके तदनुरूप आप कुछ कार्य करने वाले हो। इच्छा ही नहीं है तो कार्य क्यों करेंगे, बताइए। वी डोंट हैव टू डू मेनी थिंग्स, वी डू दोज थिंग्स बिकॉज वी वॉन्ट टू डू दोज थिंग्स। ऐसा नहीं कि हमें ये हमें करना ही है, हमें ऐसा भी करना है, हमें वैसा भी करना है, ऐसे कुछ भी नहीं। इज इट नॉट? खैर, तो ये आपका मतलब, मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, भगवान का यश श्रवण करने से अपने आप ही ये इच्छाएं समाप्त हो जाती। वो वस्तुएं तो व्यर्थ हैं, इच्छा के कारण प्रयास करना पड़ रहा है तो इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान की कथा से सुख मिल रहा है, वो ग्लानी खत्म हो गई तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, उन चीजों के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। जिन चीजों के लिए प्रयास करना ही नहीं चाहिए उनके लिए वो प्रयास करेगा भी नहीं, क्योंकि इच्छा ही समाप्त हो गई। डज इट मेक सेंस? भाई मैंने मेहनत करी, क्यों इच्छा थी तब तो आईटी के लिए मेहनत की, इच्छा ही नहीं होती तब कोई मेहनत करा सकता है? नहीं, ये बात है। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। इसका अर्थ समझते हैं, जो जिनमें शक्ति एक विशेष कार्य करने के लिए शक्ति का आवेश किया जाता है। थोड़ा मैं रिवाइज कराऊंगा, स्वांश जो अवतार भगवान के हैं उनके पास सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन वे उतनी ही प्रस्तुत करते हैं जितना आवश्यक हो, और शक्त्यावेश अवतारों के पास सारी शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन जितना कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए वह भगवान को दे देते हैं। ये बात, वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। मतलब कोई उसे प्रार्थना नहीं करता है, भगवान फिर भी आते हैं, क्योंकि भगवान का जीवों से बहुत प्रेम है और वो देख रहे हैं कि जीव कितने दुखी हैं फालतू के भोगों में पड़ करके। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा से विच्छिन्न रहते। बहुत सुंदर बात है प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए, हमारा वस्तुतः दुखी आध्यात्मिक गुप्त आदि दैविक आदि आदि भौतिक कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है कि हम भगवान की सेवा से वंचित हैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि इस कृष्ण शब्द कृष्णा एक एक शब्द में कितना सुख है। जब मैं उसे बोलता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे करोड़ों करोड़ों कान सॉरी मुख हो, और जब मेरे कानों में जाता है तो मैं चाहता हूं कि मेरे अरबों अरबों कान हो, और हृदय में के प्रांगण में जाकर मेरी सारी मन को और इंद्रिय को जीत लेता है।
कितना पता नहीं कितने समय हमको तो पता नहीं कितने दूर हैं हम इस सुख से, बताइए, सोचने वाली बात है ना। अब लग रहा है कि दुख है कि दुखी है कि नहीं, समय है खाली हमारे पास, विचार कीजिए कितना आगे जाना है अपने को, और क्या आप सभी का अधिकार है इस प्रकार के सुख के ऊपर? सबका है, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। अब समझ में आ रहा है कि कितना नुकसान हो रहा है इस समय हमें गोलोक में जहां पहुंचना हो चाहिए था, कृष्ण के संग व्हाटएवर, मेढक भी बन जाओगे तो भी अच्छा है, मेढक आप बनो, मेढक नहीं कहने का मतलब मेढक हो चाहे घास हो चाहे कुछ भी हो, सब आनंद में खेल रहे हैं, हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मतलब नौकरी मतलब करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह बड़ा अच्छा बोलते हैं, जो लोग भी यहाँ उपस्थित भक्त हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, नहीं ईमानदारी की बात नहीं करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी रोचक बात बताते हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता है, वस्तुतः तो हम क्या करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, इज इट नॉट, क्यों? क्योंकि हमारे भगवान यही करते हैं, ये भगवान की, भगवान को सा नौकरी करने जाते हैं, भगवान तो खेलते जा करके, हर व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, लेकिन जगत है ही ऐसा, इस जगत में काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे, खुद भगवान बोल रहे हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध दे कर पड़ा, मजबूरी है तो करना पड़ रहा है, लेकिन आप गोलो पहुंच गए तो कभी काम नहीं करना पड़ेगा, केवल खेलना है बस। बहुत सुंदर प्रभुपाद की बात है, अपने हृदय में झांक के देखिए, नहीं मन करता ना नौकरी करने का, लगता है कि हम आनंद करें, खेलें कूदें मस्ती करें, इज इट नॉट, ये गोलोक है। तो ये बड़ा नुकसान उठा रहे हैं हम लोग, तो नुकसान उठा रहे हैं मतलब भजन कर रहे हो तो पहुंच ही जाएंगे। सारे जीव भगवान के, इसे एक मिनट होल्ड करिए, इससे पहले कि आगे जाए, ये बात समझ में आ रही है कि सेवा कितनी जल्दी वापस मिलेगी हमको, ये हमारा हृदय कब जल्दी कितनी जल्दी शुद्ध हो जाएगा। तो महाराज जी संबंध में बड़ी सुंदर कथा बताए कि एक व्यक्ति की ट्रेन छूट रही थी, ट्रेन पकड़नी थी उसको, याद है रास्ता उदाहरण, तो एक व्यक्ति पूछा कि ये स्टेशन कितना दूर है, तो रिक्शे वाला था जो भी था उसने बोला कि ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, उसके अनुसार निर्धारित किया जा सकता है कि वो कितना दूर है। तो अगर व्यक्ति बड़े अच्छे से भक्ति कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रगति बहुत तीव्र होगी, और अन्य सब चीज़ों में भी लगा रहा है अपना समय तो फिर हिसाब से कुछ कमी ही रहे। आपको नहीं लगता कि सब टीका पढ़ने में कुछ एनर्जी लगती है, कुछ समय लगता है, या ऐसे ही मतलब अपने आप ही आ जाता सब कुछ? मैं कुछ वो नहीं बोला, मुझे तो बहुत आनंद होता है, मतलब सारा काम छोड़ करके उस टाइम लोग कोई मैसेज करते तो मेरी क्रोध आता है, लेकिन कितना आनंद होता है शब्द को अर्थों को समझने में। क्या जो भी है, पॉइंट इज दैट गंगा जी बह रही हैं, कोई एक ग्लास लेना चाहता है, कोई एक पूरा मटका भरना चाहता है, कोई पूरा टैंक भर के आएगा, वो उसकी इच्छा। लेकिन हाँ एक बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति जो भक्ति स्वीकार किया है अब उस पथ पे आ गया है और आगे बढ़ता चला जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशन अ पर्सन कैन हैव इन दिस लाइफ इज गुड फॉर हिम, ये बहुत अच्छी बात है। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं, सारे मतलब आप सभी लोग ना, हाँ जी ठीक, जस्ट कंफर्म कर रहा है। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। क्या अर्थ है इसका? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव कभी अपने आप भगवान को नहीं जान पाएगा। हमारे लिए नहीं बोला जा रहा है तुम आत्मा न आत्मा न मवे मोह, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण कृपा करके वेद पुराण लिखे हैं ताकि इनके बारे में श्रवण करके हम समझ सके भगवान से अपने संबंध। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने को मुक्त करें। हम लोग प्रथम श्लोक में सुने थे कि यदि तुम भव बंधन कच्चा चाहते हो तो वशिष्ठ जी कहते हैं अमरीश महाराज को कि भागवत को पढ़ लो। भागवत को केवल 5-4 साल से नहीं है, बहुत समय से, एक्चुअली बहुत समय गलत बोल गया, शाश्वत रूप से। यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है। अभी हमने पढ़ा था टीका में, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। जो बात आपके जब पे घटित होती है वही क्लास में होती है, अगर क्लास में ऐसे बैठे तो सोओगे पक्का, मेरा अनुभव है। कई बार क्लास में नींद आती, ऐसे हाथ रहते ऐसे कंफर्टेबल एसी तो चल ही रहा है, अब एकदम से नींद आ जाएगी पक्का, बाकी जैसे इच्छा। वैसे तो कोमा वाला भी गीता सुनी सकता है तो सोने वाला भी सुनी सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। मुझे इस पे हंसी आ रही है कि एक माता जी बोली, पहले हमारे जूम में आती थी, फिर कुछ गुस्सा हो गया ना क्या करूं, अब कृष्ण ही मेरे गुरु हैं, अब मेरा कोई गुरु नहीं है। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। एक और कौन तो बोला, हाँ एक माता जी, बहुत पहले हम पार्थ के गांव में गए, कुछ भक्ति हमें आए, फिर बाद में बातचीत हुई कि भाई क्या बात है आप भक्ति कर रहे हैं, नहीं नहीं हम सब समझ गए हैं, हमको और कुछ करने समझने की जरूरत नहीं है। आप दो तीन प्रोग्राम में सब समझ लें, हमारे यहाँ हम घिसते घिसते बाल साफ हो गए, हम लोग लग रहा है अभी कुछ समझ में नहीं आया। ये मूर्ता है लोग, या कुछ कहते हैं तुमको गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है प्रेम कृष्ण, तुम अपने गुरु स्वयं बनो। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं उनकी बात मान रहा हूं तो वो मेरे गुरु हो गए कि नहीं, अगर उनकी बात मान रहा हूं तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए, मुझे गुरु स्वीकार करना चाहिए। समझना होगा कि हमको कुछ नहीं पता है, हमको सीखना होगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। अब ये बड़ी रोचक बात है, जब चैतन्य महाप्रभु का संन्यास होना था तो वह केशव भारती जी के पास गए और उन्होंने कहा ये एक मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सुनेंगे। तो उनके कान में, अपने गुरु के कान में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही मंत्र बोला, कहते हाँ ये बहुत अच्छा मंत्र है, फिर उन्होंने उसी मंत्र को महाप्रभु को दे दिया। इसे कहते हैं परंपरा, क्योंकि परंपरा तो भगवान से शुरू हो सकती है, तो भगवान कौन संन्यास देगा। काफी रुचिकर है। और आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, बड़ा सुंदर उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में गए थे उज्जैन में सीखने के लिए, तो 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। अब इसको उदाहरण ऐसे दिया जाता है, जैसे बादल में पानी कहाँ से आता है, समुद्र से आता है, और आप देखेंगे कहीं कई कई बार बादल जाकर के समुद्र में ही पानी गिरा देता है, होता है कि नहीं ऐसा। तो वही बात बोल रहे हैं कि सारा जो ज्ञान है वह भगवान से ही आता है, लेकिन भगवान लीला में ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि कोई गुरु हैं उनके द्वारा वो ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं। और यही नहीं, संदीपनी मुनि भगवान को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तुमने मेरी ऐसी बहुत सुंदर सेवा करी है, तुम जो कुछ भी बोलोगे वो सत्य होगा, वो एवर फ्रेश रहेगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब भगवान की लीला है, करते हैं भगवान। लेकिन ये बात सिद्धांत है कि गुरु के प्रसन्नता के द्वारा व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। क्या श्लोक है उपनिषद का, तथा देवे तथा गुरु, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। महात्मा जन ये कहते हैं कि जिसकी भगवान कृष्ण में, ईश्वर में, परमात्मा में पराभक्ति होती है, दिव्य भक्ति होती है, और अपने गुरु के चरण भक्ति होती है, गुरु जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास रहता है, उसके अनुसार वो जीवन यापन करता है, तो उसी के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित होता है। ये समझ रहे हैं, और ध्यान देना होगा कि वेद ये होता कैसे, समझिए, वेद का ज्ञान प्रकाशित करने वाले हृदय में कौन है, भगवान है। क्लियर, ऐसे तो नहीं कर रहे ना, लेकिन जब हमें प्रमाणिक गुरु वो भेजे हैं, समझा होगा, अपने आयोजन से हम नहीं होते, भक्तों भगवान की कृपा से वैष्णव का संघ को प्राप्त होता है, ये बात समझ में आ रही है। और वह जो हमको उपदेश मिल रहा है वह भगवान का उपदेश मिल रहा है। रुद्र प्रभु 16 माला जप करने का उपदेश आपको परमात्मा दिए, तो भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और जब हम उस आज्ञा को पालन करते हैं तो भगवान जो हृदय में बैठे हुए हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह हृदय को, हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। इस विज्ञान को समझ रहे हैं, ये भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि जब किससे कह रहे हैं भूल रहा हूं, लेकिन स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन बहुत गंभीरता से कर रहा है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। और गुरु महाराज की पहली आज्ञा क्या है, डोनेशन लेके आना मंदिर के, 16 माला का जब प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। हम इस कॉल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, आप इसको समग्र मानव जाति के हिसाब के नहीं बोल रहे हैं, पूरा हम अपने इस्कॉन के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद जी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर शिक्षा गुरु सभी के प्रभुपाद जी। इसको दांत से पकड़ लेना चाहिए, इस बात को समझते दांत से पकड़ना, जस्ट होल्ड ऑन टू दैट इंस्ट्रक्शन, हर दिन में कैसे जितना मेरे पास सामर्थ्य है उतने अच्छी प्रकार से 16 माला का जप करने का प्रयास करो, देखिएगा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा, बिकॉज कृष्ण बिकम्स प्लीज। और आपका एक बात थी, आपने कहा था कि हम अपने प्रयासों से भगवान को नहीं
प्राप्त कर सकते। ये बात सही है, लेकिन आधी बात सही है। हम अपने प्रयासों से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारी सेवा के प्रयासों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब भगवान अपने आप को प्राप्त करा देते हैं। पूरा ये कल मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इस बात को पढ़ा। सो इसी जो आप बोले, कृष्ण रिवील्स मी थ्रू द शास्त्र, हम खाली बात ही कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, ये हम समझना चाहिए। तो हमें गुरु स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यद्यपि भगवान को गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मर्यादा को स्थापित करने के लिए व्यासदेव जी ने गुरु स्वीकार किया, ठीक है? नहीं तो हम बोलते, ए व्यासदेव जी गुरु स्वीकार किए क्या? यद्यपि हम व्यासदेव नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे व्यासदेव जी ने स्वीकार किया क्या? मैं भी स्वीकार करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा। ये बात समान जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट है। हमें कुछ प्रश्न अगर किसी बात का है तो मेरे ख्याल से प्रश्न तो कोई नहीं लग रहा है। अलग भले मैं जूम के डिवोटी से देखता हूँ। माइक अपने पास रखिए। जितना आप पढ़ा चुके हैं एक छोड़िए प्रभु, खाली गीता जो आपने पढ़ा है उसको समझने में बहुत समय लगता है। एक साल से लगे हुए हैं, अभी 9 चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम चल रहा है, बंद नहीं है। ठीक है, आई थॉट भक्ति इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, नेवर नो वी आर एक्चुअली गोइंग टू अटेंड खेलकूद एंड मस्ती, सच अ न्यू एंड अमेजिंग रियलाइजेशन। माता जी, ये आपका ये अच्छा आपने बोला। ये कह रही है कि वो सोच रही थी कि भक्ति तो बहुत गंभीर लोग ले। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, वहां पे हंसेंगे तो हंसे तो आप, मैं पढ़ाऊंगा तो रियली आप हंसेंगे। लेकिन एक नरेंद्र सरोवर, वो माइक ऑफ कीजिए, उधर से फीडबैक हो रहा है। नरेंद्र सरोवर में अद्वैत आचार्य जी, दाढ़ी वाले प्रभु जी और सबसे सीनियर वैष्णव और नित्यानंद प्रभु खेल रहे हैं, एक दूसरे पे पानी मार रहे हैं। और उसके बाद अद्वैत नित्यानंद प्रभु यंग है, ज्यादा पानी मारे तो अद्वैत आचार्य जी गाली दे रहे हैं उनको। आप इतना इतना हंसेंगे एक जगह। और यही रामानंद राय जो एकदम गंभीर वैष्णव है, वो भी पानी से खेल रहे हैं। तो महाप्रभु कैसी लीला है। कीर्तन में तो सब नाच रहे, कौन किसके ऊपर गिर रहा है कोई पता ही नहीं चल रहा है। भगवान स्वयं जो परब्रह्म है वो गिरे जा रहे हैं, कौन कौन किस पे गिर रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। बहुत गंभीर बात और बड़ी सुंदर बात हमारे महाराज जी बोले, आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इन हैप्पीनेस नॉट इन मिजरी। और भगवान स्वयं हमारा जो भगवान संबंध वो सुख का है। भाई प्रसाद खाने में कीर्तन करने में क्या कठिनाई है बताइए। और महाप्रभु के मिशन के में तो बोला जाता है केवल आनंद कांड। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, क्या कृष्ण भावना में कोई रिक्रिएशन नहीं है? तो प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण भावना में रिक्रिएशन के अलावा और है क्या? इज इट नॉट। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, भाई अच्छी फिलॉसफी हो, थोड़ा कीर्तन हो, कुछ अच्छी सिंगिंग सिंगिंग एंड डांसिंग हो और अच्छे रिफ्रेशमेंट हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, तो कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा? मेक सेंस? ठीक है। और मैं तो गुरु महाराज इस बात को बोल रहे थे, दिस जापा इज इनफाइनाइटली ब्लिसफुल, मोस्ट स्वीट थिंग। केवल बुखार है हम लोग को, इसलिए नहीं लग रहा है। अभी सभी को कोरोना फोरोना तो दोबारा हो ही चुका होगा, एक बार तो कम से कम हो चुका होगा, दोबारा ना हो। बुखार तो होता ही है ना, देखा ना, जब बुखार हो जाता है तो बगल वाले सपोर्ट सपोर्ट के खा रहे होते हैं, लाओ भाई आहा गुलाब जामुन, आहा रसगुल्ला, ये वो, रामू बना के बैठे रहते हो। लेकिन आप जानते हो कि वस्तु मीठी है, वस्तु कड़वी नहीं खा रहे, नीम नहीं खा रहे हैं आप, वो हमारी बीमारी की वजह से खराब लग रहा है। दिस इज माई सिचुएशन राइट नाउ, दिस इज नॉट माई इटर्नल सिचुएशन। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? मेक सेंस? तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति में हमारा रुचि बढ़ती चली जाएगी, ये सब सुखी अनुभव करेंगे। आप देखेंगे महाप्रभु पूरी रात डिस्कस करते थे, पूरी रात रामानंद राय जी से। सोते नहीं थे क्या? नहीं, पूरी रात। और फिर दिन में कीर्तन। तो ये समझ लेना होगा कि जो एकदम मूर्ख है वो खुश है, एटलीस्ट खुशी होने के वो सोच रहा है कि खुश है। और जो परमहंस है वो वाकई खुश है। हम सब लोग बीच वाले हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 करके वहां पहुंच जाएंगे। क्रमे क्रमे सही भक्त हो बे उत्तम, विषय छाड़िया कभे शुद्ध हवे मन, कभे हमें श्री वृंदावन। यस, हाउ टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट देयर इज नो डिफरेंस चेतन महाप्रभु एंड कृष्णा। हम कैसे श्रद्धा प्राप्त करें कि चेतन महाप्रभु और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है?
श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाश्व पवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भक्तों के बारे में श्रवण करते, भक्तों के साथ में भगवान कृष्ण के पराक्रम के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से श्रद्धा आती है, फिर उसके बाद आगे जाके भाव और प्रेम होता है। तो ये कैसे श्रद्धा है कि भगवान कृष्ण भगवान है, बताइए सुन करके। इसे कहते शास्त्रीय श्रद्धा। और ये कैसे मालूम चलेगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान है, सुन करके चैतन्यचरितामृत श्रवण कीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए यार ने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, जैसे जैसे आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा ना, वही वस्तु है, वही शास्त्र है, वही नाम जप है, वही वैष्णव सेवा है, लेकिन आपकी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। और प्रभुपाद जी इसको भगवद गीता में बताते हैं कि वंस स्ट्रॉन्ग फेथ इन समथिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्शंस इन मोड ऑफ गुडनेस। सत्वगुण के कार्यों के कारण व्यक्ति की किसी विशेष श्रद्धा से वह युक्त होता है। और जब हम रजगुण तमगुण से हमारा हृदय कह सकते हैं विद्ध रहता है, तो श्रद्धा उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो ये भक्ति का प्रोसेस ही श्रद्धा का विकास है। अब जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, सहज रूप से श्रद्धा हमारी बढ़ जाएगी। जैसे परम पूज्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, प्रभा जी के बहुत प्रिय गॉड ब्रदर थे, उनको प्रसाद मिला, महाप्रसाद मिले, महाप्रसाद महाप्रसाद, हम ऐसा बोलते रसगुल्ला, उनको लग रहा था नहीं नहीं महाप्रसाद, मतलब साक्षात वो भगवान से अभिन्न देख पा रहे थे। तो जैसे जैसे श्रद्धा का विकास होगा, वैसे वैसे हम लोग अनुभव कर पाएंगे। किस प्रकार से हम लोग साधु संघ को प्राप्त करेंगे? साधु संघ यहाँ पे है, साधु संघ नहीं देख रहे हैं आप लोगों को विश्वास हो कि नहीं हो। एक भक्त बड़े परेशान हो गए, प्रभु जी जब से ही भागवत सुन रहा हूं मैं, मेरे को विरक्ति हो रही, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था, मैं कहा समझ गया, अब मेरा खुद का विश्वास बढ़ गया कि जूम के माध्यम से भी भागवत कार्य करती है। एक भक्त बोले नहीं नहीं मैं अब ये काम नहीं कर सकता, मुझे दूसरा कुछ काम करना है, मेरे से अब ये नहीं हो रहा है। मैं इतना प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि हाँ ये सही बात है, इसका मतलब है कि श्रवण कीर्तन अगर जूम के माध्यम से भी किया जाए तो भी प्रभावशाली है। एक भक्त बोले प्रभु जी मैं 4 माला नहीं कर पा रहा था, मैं 16 माला कर पा रहा हूँ, थैंक यू आपने मुझे कृष्ण प्रेम दिया। मैं खैर मुस्कुरा रहा था, लेकिन पहले मेरे को तो मिले। कुछ लोग भावुकता में से बोल देते, लेकिन फिर भी उनको लाभ मिल रहा है, इज इट नॉट। तो ये तो है ही, भक्तों का संग हो ही रहा है। भगवद गीता के लास्ट में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब धर्म छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये सब धर्म कौन से हैं? वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम के द्वारा जो प्राप्त धर्म को छोड़ करके भगवान की भक्ति कीजिए। ओके, श्रीमद् भागवतम श्रद्धा उत्पन्न करती है, यस। ओके सुनाओ, आपका कोई प्रश्न था प्रभु जी? यस, गुस्सा दिलाने वाला प्रश्न नहीं करना। हाँ जी, ओके, हाँ माइक पे बोलिए, ऑन करके माइक पे बोलिए, श्रवण श्रोता कर माइक पे बोलिए। सत्य अवैसत्ता का डिफरेंस बताया, पहले बताया था, हाँ डिफरेंस में आ गया, लेकिन सत्य अवैसत्ता को पहचानेंगे कैसे? जैसे कोई शुद्ध भक्त है लीला में, वो सत्य अवैसत्ता है नहीं, कई लोग प्रभु जी का कहते हैं। सिंपल सी बात है कि कृष्ण शक्ति अवैसत्तार मतलब जिसको शक्ति कोई विशेष कार्य करने के लिए शक्ति दी गई है। तो प्रभुपाद जी को शक्ति अवैसत्तार कहने में क्या कठिनाई है? भले शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो उन्होंने कार्य किया वो असंभव है बाहर के लोगों के लिए, समझ रहे हैं मैं बात? कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन। माइक पे बोलिए। शुद्ध भक्त आते हैं तो कैसे, मतलब जो अरे आपको ने अवतार कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए कि जितने भी शुद्ध भक्त आ रहे हैं वे भी स्वेच्छा से भगवान की इच्छा से आते हैं उनका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। इसमें क्या मतलब झगड़ा है बताइए? कोई अगर क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, कोई भगवान का विशेष शक्ति से युक्त होकर विशेष कार्य कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? मतलब इसमें कोई विवाद की क्या जरूरत है? जो प्रभुपाद जी ने किया है कोई कर सकता है? अरे भाई एक सिंपल सी बात है कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, इतना तो स्वीकार कर सकते हैं ना। अब इतना डेफिनेशन लगाने की क्या जरूरत है? आपने सुना नहीं है अवतारा ही संख्येया हरे सत्व निधेर दुजा, तो वहां पे बोल दिया गया कि केवल यही शक्ति यही अवतार नहीं है, उक्त अनुक्त जितने भी अवतार हैं उन सबको को जोड़ लेने के लिए बोल दिया, एक समग्रता में लेने के लिए बोल दिया कि वो केवल इतने अवतार नहीं, अवतार ही असंख्येया भगवान के असंख्य अवतार है। तो अर्थात उनकी शक्ति जहां भी प्रदर्शित हो रही है भगवान की शक्ति, कहीं विभूति बोलते हैं कहीं अवतार बोलते हैं, अगर अधिक शक्ति प्रदर्शित करते हैं तो अवतार कहा जाता है,
कम शक्ति प्रदर्शित करते हैं, विभूति कहा जाता है। मनु इत्यादि सभी तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन अवतार ने उनको विभूति कहा जाता है। तो भगवान गीता में बोले ना यद यद विभूति, तो उसमें झगड़ा किस बात का है? देखिए, ये झगड़ा इस बात का हो सकता है कि कोई कहे कि प्रभुपाद जी को शक्ति अवतार कर रहे हो, हमारे गुरु जी को नहीं करो, तुम अपने गुरु जी को क्या मानते हो, तुम अपने पास रखो, हम लोग को देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो कर किए हैं वो कोई नहीं किया, और हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरा जगत देख रहा है। जितना जिस प्रकार से शुद्ध भक्ति का प्रचार कोई प्रभुपाद जी करे हैं, उनकी शक्ति हम लोगों को प्राप्त हो रही है। आपको लगता है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ? ये प्रभुपाद की कृपा है कि नहीं, बताओ? गुरु महाराज की कृपा नहीं तो मैं तो खुद चकित हूँ कि मैं इस पर कैसे, मुझे समझ में भी ये कैसे आ रहा है, ये बताइए। बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, ये सब हमारी शक्ति से नहीं हो रहा है। तो इसलिए ज्यादा इस पर ये सब प्रश्न मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे अब आप बंद कीजिए भैया, ये सब ऐसे प्रश्न कर रहे, सुबह से मूड खराब हो जाता है। क्या से उसे आपकी भक्ति का क्या संबंध है, जरा बताइए। मंजरी शक्ति अवतार हो सकती है, ये हो सकती है, क्या मतलब कि बताइए, क्या प्रश्न है इसका? उस प्रश्न से आपकी भक्ति का कोई संबंध है? इसे नाम में रुचि मिल जाएगी आपको, भूख खराब कर दोगे। ठीक है, कह रहे नहीं बस, वाइल चैंटिंग इफ वी कांट कंसंट्रेट एंड जस्ट चैंटिंग एंड कॉन्शियसनेस समवेयर एल्स। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। अगर हम जाप कर रहे हैं तो हमारा मन इधर उधर जा रहा है, तो क्या हमारा शुद्ध होगा मन? देखिए, इसको तो प्रमाण हम लोग दिए थे भागवत में छठे स्कंद से। क्या श्लोक था? अरे बहुत सुंदर श्लोक था, उसका एंड वाली लाइन थी। मैंने कई बार भक्तों को रटाया था कि केवल बोलने मात्र से, प्लीज प्लीज कृष्णा रिमाइंड मी, नहीं नहीं नहीं, बोलने मात्र से हमारा खलुसत्व भावना, गुणानुवादा खलुसत्व भावना, भगवान के गुणानुवाद को, बार बार गुणों को, नाम को बोलने मात्र से खलु निश्चित सत्व भावना, हमारा सत्व, हमारा हृदय शुद्ध होता है। यह कोई उपस्थित वैष्णव है जो कह दे कि मेरा मन बिल्कुल हरि नाम में लग रहा है? अच्छा, कोई बोल दे कि बिल्कुल नहीं लग रहा है? दोनों ही संभव नहीं, बीच में कहीं टंगे हैं कि नहीं? और आप देख रहे हैं कि अपने आप बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने से क्या आपकी गंदी आदत नहीं जा रही है? ये चीज हम लोग, मेरे को मन करता है कि तुरंत छठा स्कंद में जंप कर जाऊं, सिखा दूं आपको सब कुछ, आंखों के सामने देखेंगे। श्रीदेव स्वामी कहते हैं एक ही नाम से सारे पाप कट जाते हैं, बार बार उच्चारण इसलिए किया जाता है ताकि वासना की निवृत्ति हो। सभी के चरणों में अनुरोध है कि अगर नहीं सुने हैं तो परम पूज्य राधाकुंज महाराज जी का नाम महिमा जरूर श्रवण करें। हम कम से कम 14 बार किए उसको, किन के पूरी सीरीज, तब जाके बातें समझ में आती हैं। कितनी बार आपको बताया गया 6.2.9-10, आपको तो नहीं बताया हूं, बहुत बार बोल चुका हूं। मेरी मति भगवान में नहीं है, लेकिन भगवान की मति मुझ में है, ये कम बात है। और ये मति है कि इस व्यक्ति का मैं कल्याण करूंगा। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न था। हाँ, अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली अधिक लाभ होगा, लेकिन देखिएगा, आप देखिएगा, कभी कभी आप कुछ भी नहीं करते और मन लगता है भगवान में। आप देखा, फिर आप लोग सोचते हुए कैसा क्या कर रहे हैं, कैसा रोज हो जाए, और अगले दिन सोचेंगे अच्छा ठीक है आज मैं खूब सो के आऊंगा और कोई अपराध नहीं करूंगा, कुछ नहीं, और फिर भी मन नहीं लगता। ये दिखाएगा अभी आप देखने वाले हो, भगवान की इच्छा होती है तो हमारा मन उसमें लगेगा। फिर भी हम अपना प्रयास करते रहते, जब हम प्रयास करते रहेंगे तो भगवान खुश हो जाते हैं, चलो उतना प्रयास कर रहा तू, चलो थोड़ा सा रुचि दे देते हैं। क्या आप लोग के संग जप में कभी हुआ है कि प्राय सूखा चल रहा है, सूखा चल रहा है और एकदम से बड़ा अच्छा लगने लगता है? ये हुआ है उसी 16 माला के अंदर? अब ये क्या हो गया जरा बताइए। ये सब समझ लेना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अच्छा भगवान चाहेंगे तो तुरंत आपको नहीं रस दे सकते, लेकिन देते नहीं तुरंत, वो जानते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम कितना संघर्ष करना चाहते हैं। ये सब तो अपने जीवन में साधक देखता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात। एक ही नाम से सब कुछ कर सकते हैं, वो करते नहीं, इनको स्वभाव ऐसा है, थोड़ा देखते हैं कि कुछ उत्कंठा साधक के हृदय में जागृत हो। ओके, सो हम प्राण, मैं प्राण कर रहा हूं, जिसको प्राण मेरे साथ करना है।